जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही। बता दें कि विभाग उन पत्रों की वेरिफिकेशन कर रहा है जिनकी पेंशन रुकी है। इनमें से यदि किसी ने कागजात में गड़बड़ी कर योजना का लाभ लिया है तो उसे विभाग रिकवरी नोटिस के लिए देकर भी लिए गए लाभ की रिकवरी करेगा। इतना ही नहीं, रिकवरी नींद भरने वालों पर कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया है कि आय फिक्स थी देवी चौधरी लाल के समय, जब 100 रुपये पेंशन होती थी उस समय नियम नहीं थे, हमने नियमों की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अधिकार होने के लालच में पेंशन के रूप में पेंशन ले रहे हैं, ये ठीक भी नहीं। 60 साल का जो व्यक्ति हो जाता है उसे ऑटोमेटिकली पेंशन लग जाती है। 22,000 लोगों की पेंशन इस बार हमने ऑटोमेटिकली बनाई है। देश भर में सबसे ज़्यादा पेंशन हरियाणा सरकार देती है। सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हरियाणा में रुकी पेंशन भी एक साथ जारी की जाएगी और हर साल पेंशन में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हरियाणा की ही होती है। सभी बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में मिलती है और सभी वृद्धाओं को सबसे अधिक पेंशन हरियाणा राज्य ही देता है।